नमस्कार विद्यार्थियों, आज क्लास में अपन इतिहास का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। कक्षा 12 के आर्ट्स स्टूडेंट के लिए क्लास है और इतिहास कक्षा 12 में जो इतिहास है उसका विषय है भारत का इतिहास। कक्षा 11 में आपने अध्ययन किया, विश्व के इतिहास का अध्ययन किया और कक्षा 12 में अपन अध्ययन करेंगे भारत के इतिहास का। तो पिछले साल अपन ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इतिहास का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है और मैंने इतिहास की परिभाषा भी आप लोगों को बताई थी। एक बार थोड़ी सी परिभाषा रिपीट करता हूं मैं आपको। इतिहास यानी अतीत के अध्ययन को अपन इतिहास कहते हैं और इसकी अगर परिभाषा देखें तो एक लाइन की परिभाषा है इसकी, मुख्य रूप से सामान्य परिभाषा, बेसिक परिभाषा। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का मतलब अतीत में घटित वो समस्त घटनाएं जिनको हम प्रमाणित कर सकें या जिनके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं उसको अपने इतिहास में रखते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो श्री भगवान कृष्ण हुए थे तो इतिहास में हमें कुछ स्रोत मिलते हैं देखने को, तो हम मानते हैं कि साहब श्री कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने किस प्रकार से अपना कार्य किया, तो इतिहास का भाग है। तो इतिहास का बेसिक परिचय यही है कि इतिहास अतीत में घटित घटनाएं जिनके हमारे पास प्रमाण उपलब्ध हों उनको अपने इतिहास में अध्ययन करते हैं। और इतिहास का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्व? तो मेरे हिसाब से बेसिक महत्व इसका यह है कि इतिहास का अध्ययन करके हम वर्तमान को सुधार सकते हैं या वर्तमान को सही कर सकते हैं, भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? इतिहास हमें सही रास्ते पर चलने के लिए, भविष्य बनाने के लिए इतिहास की घटनाएं हमें प्रेरित करती हैं। जैसे मैंने कल एक वीडियो में आपको, आप सभी के लिए एकलव्य का उदाहरण दिया था। एकलव्य का उदाहरण अपन ने कहाँ पढ़ा? इतिहास में पढ़ा। और एकलव्य का उदाहरण पढ़कर हमने क्या शिक्षा ली? कि वर्तमान समय में हमें एकलव्य के समान शिक्षा ग्रहण करनी है, उसके जीवन से शिक्षा लेकर हमें वर्तमान समय के संकट की घड़ी को निकालना है। अब देखो, इतिहास का अध्ययन करने के लिए जैसे मैंने कहा भी आपको, 12th क्लास में आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, 11th क्लास में अपन ने विश्व का इतिहास पढ़ा। मेरे हिसाब से अगर आप 11th और 12th क्लास दोनों इतिहास की बुक्स अगर आप अध्ययन करें और इन बुक्स को लाइफ में सुरक्षित रखें और इसके अध्ययन को सुरक्षित रखें तो आगे कंपटीशन में जो जीके में इतिहास आता है मेरे हिसाब से लगभग 90% कवर हो जाता है इन दोनों बुक्स में। इसलिए आप लोगों को इन दोनों बुक्स का अध्ययन मन से करना है और आगे बढ़ना है। अब आपको इतिहास का अध्ययन कहीं भी करो आगे, इतिहास का अध्ययन करने के लिए अपन को सबसे पहले जो बिंदु पढ़ना होता है, जैसे मैंने परिभाषा में बताया आपको कि इतिहास किसे कहते हैं? जिसके प्रमाण अपने पास उपलब्ध हों उन घटनाओं को इतिहास में रखते हैं।
बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी अपने बुजुर्गों से, बहुत सारे महामानों के बारे में सुना होगा। अब जिन महामानों का अपने पास प्रमाण है उनको इतिहास में पढ़ लेते हैं, कुछ किंवदंतियों प्रचलित है उनको अपन नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहां पर अपन सबसे पहला बिंदु अगर इतिहास का अपना आता है तो आता जानकारी के स्रोत। जैसे मैंने कहा था, ट्वेल्थ क्लास में आप भारत का इतिहास पढ़ोगे और कंप्लीट भारत का इतिहास है इसमें। जैसे भारत के इतिहास के तीन भाग है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे जैसे भारत के इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, और खास तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत अपने पास क्या है। पॉइंट है अपना प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत का मतलब यह हुआ कि ऐसे तत्व जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आप लोग भूगोल में पढ़ते हो, साहब जल के स्रोत बताइए साहब, तो आप लिख देते हो कुआ है, तालाब है, बावड़ी है, नहरें हैं, नदी है, भूमिगत जल है। वैसे अगर अपने यहाँ पर पढ़ें कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो इस शब्द को देखो आप, पहले पुरातात्विक स्रोत, पूरा का मतलब प्राचीन हो गया, तत्व का मतलब अवशेष, यानी प्राचीन काल के ऐसे अवशेष जिनको देखकर अपन उनका अध्ययन करके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे अपन पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी जैसे मान लो कई उत्खनन हुए हैं, उनसे हमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उसे अपन पुरातात्विक अवशेष कहते हैं। यानी प्राचीन समय के जो एक तरह से प्रत्यक्ष अवशेष अपने सामने हैं उनको अपन पुरातात्विक अवशेष या स्रोत कहते हैं। यानी मूर्त रूप में जो दो चीजें मूर्त और अमूर्त होता है, तो मूर्त रूप में अपने प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्रत्यक्ष अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसे अपन पुरातात्विक अवशेष कहते हैं। यानी प्राचीन काल के जैसे खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है, खोजें हुई है, भारत के कोने कोने से ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनको अपन क्या है पुरातात्विक अवशेष कहते हैं। और समय काल का निर्धारण उनके द्वारा किया जाता है, उस समय के बारे में अपन उसके सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, उसकी जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है, लोगों के रहन सहन की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है, तो उसको कहते हैं अपन पुरातात्विक अवशेष या पुरातात्विक स्रोत। जो बात के अपने खगोलविदों द्वारा, इतिहासविदों द्वारा खुदाई की गई, खोज की गई, उसमें हमें प्राप्त हुए हैं। अब इसमें पुरातात्विक अवशेष हैं उसको अपन छह भागों में बांटते हैं। पुरातात्विक अवशेष उनको अपन छह भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग है अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है, यानी प्राचीन काल के जो किसी स्तंभ पर, गुहा पर, मूर्ति पर, किसी वस्तु विशेष पर लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का मतलब ये होता है कि साहब किसी वस्तु विशेष पर लिखित अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, जैसे भित्तियों पर अवशेष प्राप्त हो गए लिखे हुए, मूर्तियों पर भी लिखे हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी मनुष्य द्वारा लिखित अवशेष किसी तत्व विशेष पर, वस्तु विशेष पर जो प्राप्त हुए हैं उसको क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का मतलब प्राचीन काल में अपने खुदाई में, उत्खनन में बहुत सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें लिखित वर्णन मिला है। जैसे आजकल आप
जिसमें मैंने कहा इतिहास पढ़ना आपको तो एक किताब में लिखित सामग्री आपको मिलेगी, उसका आप अध्ययन करोगे। तो इतिहासकार भारत के बहुत सारी जगह ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो वस्तु विशेष पर, किसी प्रतीक पर में लिखित वर्णन प्राप्त हुआ है, उसे क्या है, अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख। तो देखो अभिलेख के यहां पर पांच भाग हैं, यानी पांच प्रकार के वस्तुओं पर, तत्वों पर या अवशेषों पर जो लेख प्राप्त हुए हैं वो पांच प्रकार के अभिलेख हैं। सबसे पहले आता है शिलालेख। शिला का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर होते हैं, शिलाएं होती है, पत्थरों को शिला कहते हैं। और पत्थरों पर जो लेख उत्कीर्ण किए गए और वो प्राप्त हुए हैं तो उसे शिला लेख कहते हैं। दूसरा था स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब क्या होता है? एक तरह से जिसको आप एक तरह से जिसको कहेंगे साहब खंभा कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और स्तंभ पर जो लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी एक तरह से शिलाओं को काटकर बड़ा आकार दे दिया गया, शिलाओं को काटकर बड़ा आकार दे दिया गया और उस बड़े आकार पर स्तंभ का रूप दे दिया गया उसे, और उस स्तंभ पर लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं उसे स्तंभ लेख कहते हैं। फिर आता गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब क्या होता है कि साहब चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया, चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया और उन गुफाओं में लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे आपने सुनी होगी बाघ की गुफा है, एलोरा की गुफा है, उनमें जो, और इसके अलावा बाद की इतिहास की बहुत सारी गुफाएं हैं जिसमें लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर आता आपका मूर्ति लेख। भारत में धार्मिक साहित्य में या धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है, और प्राचीन काल में प्रकृति से जुड़ी मूर्तियां थी, प्रकृति को शक्ति माना जाता था, उनसे जुड़ी मूर्तियां, मूर्तियों के ऊपर जो लेख उत्कीर्ण किए गए हैं उसे मूर्ति लेख कहा गया। इसे क्या कहा गया बताओ? मूर्ति लेख। जो खूब सारे उदाहरण प्राप्त हुए हैं आपको यहाँ पर, जैसे ये टॉपिक पूरा होगा उसके बाद आपको किताब का अध्ययन करके उसको दोबारा रिपीट करना है। फिर ताम्रपत्र अभिलेख, यानी पहले शासन व्यवस्थाएं होती थी उसमें क्या है, राजकीय पत्र जो निकाले जाते थे तो उसमें कागज के अवशेष बहुत कम थे, इसलिए क्या है तांबे के पत्र बनाए जाते थे और उस पर आदेश लिखे जाते थे, उस पर क्या है बहुत सारी घटनाओं का वर्णन किया जाता था और उसका नाम है ताम्र पत्र अभिलेख। उसका नाम क्या है? ताम्र पत्र अभिलेख। तो पहला पॉइंट हो गया यहां पर अभिलेख। दूसरा है उत्खनन से प्राप्त अवशेष, यानी जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इनके बारे में पढ़ा होगा, कालीबंगा के बारे में पढ़ा होगा, धौलावीरा के बारे में पढ़ा होगा। तो देखो उत्खनन, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा खनन और उत्खनन। खनन का मतलब तो होता है गहराई से कोतक निकालना, उत्खनन का मतलब भूमि के ऊपर से खुदाई करके अवशेष प्राप्त करना। तो उत्खनन से प्राप्त अवशेष, यानी बहुत सारे टीलों में खुदाई हुई है और उनमें मनुष्य के उपयोग में लिए गए, जैसे मृदभांड है, उनके भवन हैं, स्नानागार हैं, उनके नगर निर्माण के अवशेष हैं, ये सब प्राप्त हुए हैं जिसको अपन उत्खनन से प्राप्त अवशेष कहते हैं। और उनसे हमें तात्कालिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट आता है इसका सिक्के और मुद्राएं और मोहरे, यानी खुदाई में प्राचीन काल के जो सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, मोहरे हैं, ये प्राप्त हुई है
और उन मुद्राएं मोहरें और सिक्कों के ऊपर जो प्रतीक चिन्ह थे, लेख थे, मोहरें किसकी बनी हुई है, किस धातु की है, मिट्टी की है, इसके आधार पर हम तात्कालिक इतिहास का अध्ययन कर पाते हैं। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा एक बार और पढ़ोगे पीछे 11वीं क्लास पढ़ा होगा कि मिस्र की सभ्यता में सिंधु सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है, अन्य विश्व की सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य सभ्यताओं से सिंधु सभ्यता का संपर्क था। यह सिद्ध किसने किया? मोहरों ने किया, मुद्राओं ने किया। तो मुद्राएं, सिक्के और मोहरों से हमें इतिहास की जानकारी में सहयोग प्राप्त होता है। फिर होता स्मारक। स्मारक का मतलब क्या होता है? वर्तमान में भी मनुष्य में यह परंपरा बनी हुई है कि किसी घटना, किसी व्यक्ति विशेष की याददाश्त के लिए स्मारकों का निर्माण किया जाता है। और वो स्मारक जैसे मान लो आपके स्तूप हैं, वो स्मारक क्या करते हैं? हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। जैसे आपने ताजमहल देख लो, तो ताजमहल एक स्मारक है कि साहब मुमताज महल की याददाश्त में ताजमहल बनाया गया। तो प्राचीन काल में खूब सारे स्तूप हमें प्राप्त होते हैं, सांची का स्तूप है वो स्मारक है, और वो हमें तात्कालिक इतिहास की जानकारी देता है। तो स्मारक इस प्रकार से हमें इतिहास में सपोर्ट करते हैं। फिर मूर्तियां और मंदिर हैं, यानी भारत वैदिक धर्म प्रचलित था, उसके बाद बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म का विकास हुआ। शुरू शुरू में जैन धर्म बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन बाद में उनमें मूर्ति पूजा का शुरुआत हुई। तो खूब सारी ढेरों मूर्तियां और मंदिर मूर्तियां मिली और मंदिरों का अवशेष आज भी प्राप्त हुए हैं, और मूर्तियों और मंदिरों के अवशेषों से हमें तात्कालिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता शैल चित्रकला। मैंने शैल का अर्थ पीछे बताया था आपको, शिलालेख में। शैल का मतलब पत्थर या पहाड़ कह सकते हैं अपन। शैल का मतलब यहां पर किससे हैं? पत्थर और पहाड़ से हैं। और चित्रकला यानी चित्र, यानी बड़े बड़े पत्थरों पर, शिलाओं पर चित्र बनाए गए हैं, और इन चित्रों से हमें तात्कालिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो यहां पर पहले अपना हुआ पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का पहला भाग है अभिलेख। अभिलेख के यहां पर पांच भाग हैं। मैंने बताया शिलालेख क्या होता है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, मूर्ति लेख है, ताम्रपत्र अभिलेख है। फिर अपन देखे उत्खनन से प्राप्त अवशेष। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया सिक्के, मुद्राएं और मोहरे, स्मारक, मूर्तियां और मंदिर और शैल चित्रकला। तो पहला पार्ट यहां पर अपने प्राचीन इतिहास के स्रोत का पहला पार्ट हो गया पुरातात्विक स्रोत। अब दूसरा पार्ट है वह साहित्यिक स्रोत, यानी प्राचीन काल में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो लिखित अवशेष हैं उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा जो लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं उसे अपन साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और साहित्यिक स्रोत के दो भाग हैं भारत के इतिहास की जानकारी के लिए, पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब तो क्या हुआ कि साहब भारत में जो धर्म है उनसे जुड़े हुए जो साहित्यिक स्रोत हैं उसे धार्मिक साहित्य कहते हैं। धर्म से जुड़े हुए जो साहित्यिक स्रोत हैं उसे धार्मिक साहित्य कहते हैं। जैसे पहला आता है धार्मिक साहित्य, वैदिक साहित्य, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसे मान लो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, आर्यनक है, पुराण ग्रंथ है, स्मृति साहित्य हैं, महाकाव्य हैं,
ये सब किस में आते हैं? वैदिक साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं। यानी भारत का जो प्राचीन धर्म है, प्राचीन पंथ है, प्राचीन धर्म और पंथ है वैदिक साहित्य या ब्राह्मण, सॉरी वैदिक धर्म। और इसके साहित्यिक स्रोत जो प्राप्त हुए हमें, उनसे तात्कालिक इतिहास की हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और उनमें है, जैसे मैंने बताया आपको, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य आता है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद ग्रंथ आते हैं, पुराण ग्रंथ आते हैं, आर्यनिक ग्रंथ आते हैं, स्मृति साहित्य आता है, महाकाव्य आते हैं, जैसे आपने रामायण महाभारत सुना होगा, पढ़ा होगा। तो वो हो गया साहब वैदिक साहित्य। फिर भारत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ और बौद्ध साहित्य का विकास हुआ, और बौद्ध साहित्य को आ गया पिटक साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या कहा गया? पिटक साहित्य। जैसे आपने त्रिपिटक साहित्य देखे होंगे, आप पढ़े होंगे आपने। फिर बाद में महावीर स्वामी के द्वारा एक तरह से जैन धर्म को बढ़ावा दिया गया, महात्मा द्वारा बौद्ध धर्म का विकास किया गया, स्थापना की गई जैन साहित्य, जिसको अपन आगम साहित्य कहते हैं, आगम ग्रंथ या आगम साहित्य कहते हैं। और उन आगम ग्रंथों से हमें तात्कालिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गया साहब धार्मिक साहित्य, जो प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें देते हैं, प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। फिर आता है धर्मेतर साहित्य। इसका मतलब ये हो गया कि साहब धर्म के अलावा, धर्म के अतिरिक्त जो लिखित अवशेष हमें रचनाएं प्राप्त हुई है, उसे धर्मेतर साहित्य कहते हैं। धर्म के अतिरिक्त जो साहित्य हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें विशुद्ध धार्मिक वर्णन नहीं है, लौकिक जीवन का वर्णन है, ऐतिहासिक वर्णन है, नाटक है, कविताएं हैं, जिनका धर्म से डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है, यानी धर्म के से अतिरिक्त जो हमें धर्म से जुड़ा साहित्य धार्मिक साहित्य होगा, धर्म के अतिरिक्त जो साहित्य, उसे धर्मेतर साहित्य कहते हैं। और धर्मेतर साहित्य के यहाँ पर दो रूप दिए हैं, यहाँ पर देशी साहित्य और विदेशी साहित्य जिसको कहेंगे। अब देशी साहित्य के यहाँ पर तीन भाग दिए हैं। पहला था लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब क्या हुआ कि सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए जो लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं, रचनाएं प्राप्त हुई है, लौकिक जीवन, सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई जो रचनाएं प्राप्त हुई है, उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। और दूसरा है ऐतिहासिक साहित्य, यानी जिन लेखकों का, साहित्यकों का रचना का उद्देश्य इतिहास वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक साहित्य कहते हैं। जैसे आपने कोटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा है, वैसे राजनीतिक इकोनॉमिक्स नाम है उसका, मुख्य रूप से वर्णन है इतिहास का वर्णन करना, तो वो ऐतिहासिक साहित्य हो गए। फिर अगर विशुद्ध साहित्य, विशुद्ध साहित्य का मतलब क्या हुआ कि जिनका मुख्य उद्देश्य कोई विशेष पॉइंट हो, विशेष बिंदु को लेकर लिखा गया साहित्य विशुद्ध साहित्य होता है। जैसे मान लो काव्य, यानी कविताएं, काव्य रचनाएं खूब सारी प्राप्त हुई, जैसे मान लो सूर सागर है, इसी प्रकार प्राचीन काल के बहुत सारे कविताओं के संग्रह हैं, वो काव्य संग्रह हो गए। नाटक, जैसे मान लो आपको कालिदास को वाट का शेक्सपियर कहा जाता है, उनके बहुत सारे नाटक हैं। कथा, कथा का मतलब होता है किसी राजा विशेष और किसी घटना विशेष को लेकर जो रचना की गई, उसे कथा साहित्य कहते हैं। और नीति शास्त्र, या नीतिगत चीज़ों से जुड़े हुए जो बिंदु हैं, उनसे जुड़े हुए जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उसे नीति शास्त्र कहते हैं। तो ये हो गया साहब आपका देशी साहित्य कह सकते हैं, या भारत का, भारतीय साहित्य कह सकते हैं उसको। फिर आता विदेशी साहित्य, यानी आपको मैंने अभी एग्जांपल बताया था, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध विश्व विभिन्न सभ्यताओं से था। इसी पाठ में अपन वर्णन पढ़ेंगे कि साहब भारत, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्राचीन काल से विश्व के विभिन्न देशों में संपर्क रहा है।
और संपर्क रहा है तो विश्व विभिन्न देशों के साहित्यकार भारत में आए हैं और उन साहित्यकारों के लेख हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे सबसे पहले यूनानी आए और यूनानियों के आपने पढ़ा होगा कि सबसे लुकस के राज दरबार से लुकस का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नाम सुना होगा आपने मेगस्थनीज और उसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। इसी प्रकार आपने चीनी साहित्यकार बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जानकारी करने के लिए विभिन्न चीनी साहित्यकार भारत में आए थे, जैसे फाई यान है, इत्सिंग है, ह्वेनसांग है, ये चीनी यात्रा है, उनके लिखित अवशेषों से हमें भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर मुस्लिम है, मुस्लिम यानी आपको पता हो तो 700 ईस्वी के आसपास मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में आक्रमण हुआ था और उस बार खूब सारे मुस्लिम इतिहासकार भारत में आए हैं और मुस्लिम इतिहासकारों के से हमें भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर भारत के पड़ोस में तिब्बत है और जानकारी होगी आपको तिब्बत बौद्ध धर्म बाहुल्य है और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति स्थल भारत है। तो बहुत सारे तिब्बती साहित्यकार भारत में आए और उनके साहित्यिक वर्णन से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, भारतीय इतिहास के बारे में डिटेल से वर्णन प्राप्त होता है। तो आज का बिंदु अपना रहा, मैंने आपको इतिहास के बारे में बेसिक परिचय बताया, उसके बारे में बताया भारत का इतिहास आप इस 12वीं क्लास के विषय में पढ़ोगे, उसमें मैंने बताया कि साहब इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहला बिंदु अपन को पढ़ना होता है कि साहब मैंने परिभाषा ही बताई इतिहास की आपको कि इतिहास किसे कहते हैं जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हो, लिखित अवशेष जिसके हो, जिसको प्रमाणित कर सकें। तो प्राचीन इतिहास को प्रमाणित करने के लिए अपने पास ढेरों अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिससे भारत के प्राचीन इतिहास की विशुद्ध जानकारी हमें प्राप्त होती है। उनको शॉर्ट में दो भागों में बांट देते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, जिसको मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो बुक मार्केट से नहीं लिए तो खरीद लें और जो बिंदु मैं आपको पढ़ाऊं यहां पर, इस बिंदु को आप डिटेल से दो बार घर पर रीडिंग करें और उसके बाद उस बिंदु में से, जैसे मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, उसी प्रकार शॉर्ट बिंदु आपको फेर कॉपी में बनाए, उस बिंदु के कंप्लीट शॉर्ट बिंदु अपने फेर कॉपी में बनाए, इससे उस आपका जो पॉइंट पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो पढ़ाया मैंने उसको आप डिटेल से अध्ययन करना है। धन्यवाद।